चलिए स्टार्ट। तो पहले मैं पूरा पेपर करता हूँ, फिर तुम लोग बताना तुम्हें कितना मुश्किल कितना आसान लगा। एंड आई टेल यू द थ्रेशोल्ड फॉर दिस पेपर इज वेल आई वंस वी आर डन बताता हूं। चलिए स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हिच सेल ऑर्गेनेल्स आर क्लियरली विजिबल व्हेन व्यूड विद अ लाइट माइक्रोस्कोप एट हाई पावर एनी टाइम्स 400। तो आपके पास जो ऑर्गेनेल्स यहां पे लिस्टेड हैं उनमें से आप देखने पहले खुद आइडेंटिफाई कर लें सबसे बड़ा ऑर्गेनेल कौन से। सो वी लुक एट द फोर कॉलम्स दैट आर गिवन टू यू। द लार्जेस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स दैट वी हैव In all four of these, amongst all four of these is chloroplast. तो आप expect करेंगे जो बड़े वाले chloroplast हों वो आराम से visible हों underwater under light microscope. और in fact तुमने अगर school में अगर plant की कोई slide बनाई हो ना नहीं तो उसमें भी तुमने देखा होगा जब staining आप करते हैं तो chloroplast आपको visualize हो जाते हैं under high power. So we would expect के chloroplast जो है वो basically क्या होंगे visible होंगे और वो आपको सिर्फ दो option में नजर आ रहे हैं, option C और option D में। अब गौर से देखो option C के अंदर ना centriole भी नजर आ रहे हैं, endoplasm में reticulum भी नजर आ रहे हैं। अगर तुम सेंचुअल के बारे में अनश्योर हो ना तुम इसके बारे में जरूर श्योर होगे कि लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट शो यू एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। व्हाई? बिकॉज़ ये मेम्ब्रेन से बना होता है और मेम्ब्रेन की जो विड्थ होती है वो क्या होती है 7 नैनोमीटर होती है। लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व दैट। सो उससे आप रिड्यूस कर लेंगे कि ऑप्शन सी आपके पास क्या है गलत है। एंड देयर विल बी ओनली वन पॉसिबल आंसर ओवर हियर एंड दैट इज ऑप्शन डी इन दिस केस। योर अप्रोच मैटर्स द मोस्ट। मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ लाइक Your approach to MCQs matter the most. मैं ये भी कर सकता था MCQ option A में ये दिया हुआ है काटम काट काटम काट, option D में ये दिया हुआ है। आप इस तरह ना करें approach MCQs को, इस तरह अपनी efficiency नहीं बढ़ाएंगे MCQ में score करने के लिए रहेगा। आप उसी तरह बढ़ा सकते हैं जब आपकी approach to questions अच्छी हो। तो make sure that you learn the approach. गलत आंसर आ जाए आपको कोई मसला नहीं है यार, लाइक एक पेपर में करोगे दो पेपर में करोगे, तुम्हारी अप्रोच अगर रिफाइन होती जा रही है विद टाइम योर स्कोर इन द एमसीक्यू पेपर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग वो भी अच्छा होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोविलाई एंड रूट हेयर्स are characteristic structures of some cell types. Which row identifies some features of a microvillus and a root hair? अब यहाँ देखिए यार, पहला कॉलम दिया हुआ है surrounded by cell wall और दूसरा कॉलम दिया हुआ है more than one present on a cell. तो तुम्हें पता है कि भाई इन दोनों चीजों में, इन दोनों जो structures तुम्हें दिए हुए हैं, इनमें से cell wall सिर्फ किसको surround कर रही होगी? Root hair को surround कर रही होगी, plant cell का part होगी ना लाइक। तो आपको पता है कि भाई कि root hair को ये आप show रहे हैं इसके बारे में। बस अब आपने ये ढूंढना है more than one present on a cell किसमें होता है? एक रूट हेयर सेल में एक ही रूट हेयर होता है। तुम्हें याद है ये? और अगर तुम्हें शक्ल याद नहीं आई तो मैं तुम्हें शक्ल सेल की बता देता हूँ। ये हमने जब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द रूट पढ़ा था ना उसमें एपिडर्मिस के अंदर जब एपिडर्मिस सेल पढ़ा था तो वो एपिडर्मिस सेल इस तरह का था। तुम्हें याद है लाइक? तो एक एपिडर्मिस सेल में एक ही रूट हेयर होता है, मल्टीपल नहीं होते हैं लाइक। सो यहाँ लिखा हुआ है मोर देन वन प्रेजेंट, तो दैट कॉन्ट बी रूट हेयर, दैट हैज टू बी व्हाट? दैट हैज टू बी अ माइक्रोविलस। एंड देयरफॉर ये आपका सही आंसर होगा फॉर दिस कॉलम, सही ऑप्शन होगा फॉर दिस कॉलम। एंड हेंस ऑप्शन ए विल बिकम व्हाट? विल बिकम योर right answer. Okay, next question. The photomicrograph is of a plant cell. The cell is 25 micrometers in width from X to Y. उसने पूछा what is the magnification of the photomicrograph? तो ये आप खुद कर लेंगे। आप basically यहाँ पे rule रखेंगे, इसका length measure करेंगे, उसको फिर convert कर देंगे micrometer में, वो आपका क्या हो जाएगा? Image size हो जाएगा। Actual size उसने दी है 25, तो image upon actual करके आप क्या निकाल लेंगे? Magnification निकालेंगे। तो ये आप खुद की अपने घर पे कीजिएगा लाइक ये वाला जो question है। Next question. Which eukaryotic cell structures all contain nucleic acid? So let's go one by one. और तुम्हें पता है किन-किन में nucleic acid होता है? हम सिर्फ हर ऑप्शन में वो आइडेंटिफाई कर लेंगे जिसमें नहीं होता, and we will basically that will lead us to the right answer. तो पहला दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है cytoplasm, Golgi bodies, mitochondria, nuclei. इसमें से Golgi bodies में नहीं होता nucleic acid. ठीक है, तो आप यहाँ पे basically cut कर देंगे ऑप्शन ए. ऑप्शन बी में दिया हुआ है centrioles. आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है लाइक, यहीं पर ही आप जो है वो ऑप्शन बी भी रॉन्ग कर देंगे। सेंट्रियोल में तो नहीं होता ना, माइक्रोट्यूबुल से बना होता है सेंट्रियोल, तो यार न्यूक्लिक एसिड थोड़ी होता है। सी में अगेन सेंट्रियोल दिया हुआ है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं आपको लाइक। अब आपका सही आंसर डी होगा। लेट्स रीड थ्रू द ऑप्शन। डी में दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्या होता है? सर्कुलर डीएनए, और जैसे बताओ उस डीएनए से जो एमआरएनए बने होंगे वो भी होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए, और उससे जो एमआरएनए बने होंगे वो भी होंगे। साइटोप्लाज्म में एमआरएनएस भी आते हैं लाइक, डीएनए भी हो सकता है आपके पास, उसके भी फ्रैगमेंट हो सकते हैं लाइक। तो साइटोप्लाज्म में सही से बात है पॉसिबल है। और राइबोसोम जो होते हैं उनमें आपके पास राइबोसोमल आरएनए होता है, तो वो भी न्यूक्लिक एसिड की टाइप होती है। तो चारों स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड होंगे, एंड देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट्स अबाउट वायरसेस आर करेक्ट? ठीक है, आप बताएंगे। ठीक है ना, वन दे कंटेन डीएनए और आरएनए, सही लिखा है गलत लिखा है? एब्सोल्यूट। अगर ये लिखा होगा ना दे कंटेन डीएनए एंड आरएनए तो वो गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट वन इज व्हाट? एब्सोल्युटली करेक्ट, वन आपको सही दिया हुआ है। टू दे यूज होस्ट सेल्स टू सिंथेसाइज वायरस प्रोटीन, बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये उनके पास खुद तो राइबोसोम होते ही नहीं है ना, तो ये होस्ट सेल्स को यूज करते हैं फॉर व्हाट? फॉर सिंथेसाइजिंग क्या नाम है देयर प्रोटीन। तो टू इज व्हाट? एब्सोल्युटली करेक्ट, टू आपको बिल्कुल सही दिया हुआ है। थ्री दे कैन हैव अ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, इज दैट करेक्ट इज दैट इनकरेक्ट?
That is incorrect. Peptidoglycan का किसके पास होता है? Like bacteria के पास होता है ना, prokaryotes के पास होता है. Like तो इनमें नहीं होता. तो 3 is wrong. 1 and 2 are correct. And therefore option B will be your right answer. Next question. What are features of prokaryote cells, chloroplast and mitochondria? आपने ऐसे features pick करने हैं इन तीन में से जो तीनों के पास होते हैं. Like so ribosomes smaller than ATS. बिल्कुल correct. तीनों के पास होते हैं. Like why? कौन से होते हैं ribosomes? 70s. उसने एक्चुअल नाम ही लिखा स्मॉलर देन 80s ना, वो भी बिल्कुल सही है. तो ये ऐसी चीज है जो तीनों के पास होगी. लाइक सर्कुलर डीएनए तीनों के पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी होता है, प्रोकैरियोट के पास भी होता है. सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, ये तीनों के पास नहीं होता. ये किसके पास होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास होता है, नॉट द प्रोकैरियोट. उनके पास थोड़ी कोई डबल मेम्ब्रेन होती है, बस सेल मेम्ब्रेन होती है और बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है. तो दिस इज रॉन्ग. लाइक तो आपके पास जो सेट ए और सेट सी है उसका ओवरलैप दिया हुआ ऑप्शन बी. And that will become what? That will become your right answer. Okay, next question. A student used Benedict solution to test the sample known to contain carbohydrate. At the end of the test, the solution was blue. Iska matlab kya hai? Reducing sugar present. Sahi hai? Which carbohydrate could be present in the sample? Ab aapne batana hai bhai isme se kaun sa option correct hai. So is glucose a reducing sugar? Yes. To agar wo hoti to blue nahi aata, color aata. Like to option A is out. Is fructose a reducing sugar? Yes, it is monosaccharides. तो सारे होते हैं ना, monosaccharides तो सारे होते हैं, तो सही से बात है. Option B भी जो है वो reducing sugar है, तो option B is also out. What about maltose? Is that reducing, non-reducing? Reducing. Maltose भी reducing sugar है. Like यार को of the common disaccharides, सिर्फ sucrose होता है जो कि non-reducing होता है. जो maltose, lactose common disaccharides है ना, वो reducing sugar होते हैं. Like तो ये भी reducing होता है. तो आपका correct option क्या हो जाएगा? Option D हो जाएगा. Because blue color आया था तो आप expect करेंगे reducing sugar sample में ना हो. Like और वो उसी वक्त होगी जब आपके पास सैंपल लेट से सुक्रोज का होगा, बिकॉज दैट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो शुगर्स विद अ रिंग स्ट्रक्चर कैन आल्सो हैव अ लीनियर स्ट्रक्चर. ठीक है, ये लीनियर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, करेक्ट. विच शुगर मॉलिक्यूल्स कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर स्ट्रक्चर इन द डायग्राम. तो अगर आप बोल रहे हैं यार हमने तो लीनियर याद नहीं किया, आप उसके बगैर भी ये आंसर कर सकते हो. हाउ? लुक एट द ऑप्शंस गिवन. 1, 2 and 3 में राइबोज, डीऑक्सी राइबोज और ग्लूकोज दिया हुआ है ना. गौर से देखो, राइबोज is a pentose, deoxyribose is a pentose, glucose is hexose, and how many carbons do you see over here? 6. आप ये भी use कर ले तो आप, या अगर आपको रट्टे का बहुत, जैसे मैं बोला था factual knowledge अगर आपको पता हो, तो हमने classes में straight chain form भी की हुई है, इसी से ring बनाई थी. अगर आपको वो याद है, यहाँ aldehyde group था, CH2OH था, एक सिर्फ ग्लूकोज का टिपिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है. हमने फ्रक्टोज का भी किया था बाय द वे. अगर तुम्हें याद आ रहा है तो तुम उससे भी मार्क कर सकते हो. इधर वे वो याद अगर नहीं भी हो तब भी आप कर सकते हैं ना. आपको डायग्राम जो दिया हुआ है उसमें टोटल 6 कार्बन है, तो हेक्सोज ही होगी ना सिर्फ, और तो नहीं कोई हो सकती लाइक. तो 1 and 2 आप इस वजह से बेसिकली क्या करेंगे, निकाल देंगे यहाँ से. 1 and 2 पॉसिबल ही नहीं है. सिर्फ आपके पास 3 पॉसिबल होगी और 3 ओनली का जो ऑप्शन है यहाँ पे, दैट इज व्हाट ऑप्शन डी इन दिस केस, एंड दैट विल बी योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच रो मैचेस each molecule to a type of bond that is present. ठीक है ना, आप गौर से देखो, जो भी molecule दिया हुआ है ना, like आपको उसके type of bond से match करना है. ठीक है ना, अब ये देखो, ये यहाँ देखो, ester bond आपने दो जगह पढ़ा हुआ है, मैं आपको याद करा देता हूँ. lipid में भी आपने पढ़ा हुआ है ester band, और phospholipid में भी पढ़ा हुआ है आपने ester bond. band बोल रहा हूँ, ester bond, सही है ना. तो आपके पास lipid और phospholipid दोनों में ester bond होते हैं. फर्क क्या होता है? नंबर. लिपिड के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड आपने पढ़ा हुआ है उसमें कितने होते हैं? 3 एस्टर. ट्राइग्लिसराइड में 3 एस्टर बॉन्ड्स थे. फॉस्फोलिपिड में 3 नहीं थे, एक फैटी एसिड निकल जाता ना, तो कितने थे? 2 टिपिकल एस्टर बॉन्ड्स थे. लाइक तो यहाँ पे दोनों में एस्टर बॉन्ड होंगे. मैं जो आपको बताऊँ आप मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर क्या अटेम्प्ट करोगे, मैं भी आपको बताता हूँ. लाइक तो ये दोनों आपने बेसिकली अपने जहन में रखना है, दोनों के अंदर जो है वो एस्टर बॉन्ड होते हैं. अगर तुम्हारे जहन में आ रहा है ग्लिसरॉल में एस्टर, ग्लिसरॉल में नहीं होता यार, ग्लिसरॉल में तो OH ग्रुप्स होते हैं. लाइक इट्स अ ट्राईऑल, 3 OH ग्रुप्स होते हैं लाइक. और ना ही अमाइलेज में होता है. अमाइलेज इज एन एंजाइम, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं. क्या होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं. प्रोटीन है ना, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे और फिर बॉन्ड्स बिटवीन द साइड चेन ये सब होंगे लाइक. तो आप ए और बी को वैसे ही निकाल देंगे, दे विल बी आउट. सी और डी को आप रखेंगे. अब आ जाओ सेकंड कॉलम में, हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड, अब ए और बी तो देखना ही है ना, तो इनको तो काट दो आप. अब सी और डी सिर्फ आप देखो, अमाइलोपेक्टिन में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं. समझ में आ गई? सेलुलोज में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं, दोनों के अंदर होते हैं. तो यहाँ पे आप जब सेकंड कॉलम में आए हो तब भी आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सके हो इन दोनों में से सही आंसर क्या होगा. तो यानी थर्ड कॉलम में कोई ऐसी चीज होगी जिससे आप पिक कर लोगे, विल बी योर राइट आंसर. तो इधर देखो यार, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है ना, अमाइलोज में नहीं हो सकता, बिकॉज अमाइलोज क्या होती है?
व्हाट इज अमाइलोज, व्हाट्स द व्हाट इट्स अ पॉलीसैकेराइड, स्टार्च का पार्ट होता है ना अमाइलोज, तो उसमें तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं यार, डाइसल्फाइड बॉन्ड आएगा ही नहीं सकते, सल्फर ही नहीं होता इनमें, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड कहां से आएगा? वो आप सिर्फ एक्सपेक्ट किसमें करोगे? एंटीबॉडी में करोगे, और इससे आप अपने सही आंसर में पहुंचोगे, एंड दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी ऑप्शन डी इन दिस केस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस बी क्यों नहीं हो सकता? बी बी बोलो ना, ग्लिसरॉल लिखा हुआ ना, ग्लिसरॉल में कौन सा एस्टर बॉन्ड है? पहले से हटा दिया हमने, लाइक ग्लिसरॉल तो वो है ना यार, वन ऑफ द क्या नाम है मॉलिक्यूल्स दैट इज यूज्ड टू मेक ट्राइग्लिसराइड, सो डोंट मेक डोंट कंफ्यूज के ग्लिसरॉल में एस्टर बॉन्ड, ग्लिसरॉल जब फैटी एसिड के साथ बनाएंगे ना बॉन्ड, तब एस्टर बॉन्ड बनेगा, तब कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, एस्टर बॉन्ड होगा, इससे आप ए और बी वैसे ही हटा दो लाइक। और देखो यार अप्रोच में बार बार क्यों अप्रोच अप्रोच कहते रहता हूँ, लाइक जब एक्चुअल एग्जाम होता है वहां आप सब भूल जाते हो, वहाँ वही आपका डंगर सिस्टम जो होता है ना, दिमाग कौन हो जाता है, सब कुछ पढ़ लो, सब कुछ कर लो, सब कुछ पढ़ लो, आप कंफ्यूज होते हो, फिर यार आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे गिरता जाता है, लाइक मतलब इमेजिन करो शुरू के 10 में से आपको 4 ना आते हो, अगर अभी वाकई 30 में भी वो इफेक्ट जाता है ना लाइक, तो बी स्मार्ट, इसलिए मैं वाह बोलता हूँ बी स्मार्ट व्हेन डूइंग एमसीक्यू, इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ पेन इन द एक्चुअल एग्जाम एज वेल। विच रो शोज, और इवन अभी आप प्रैक्टिस करोगे ना पेपर्स करके ये वाला, ये इस तरह का अप्रोच, तब वहाँ भी करना आपके लिए आसान होगा, ठीक है ना, डोंट लीव इट फॉर वहां कर लेंगे कुछ नहीं होता वहां पे, लेकर पहले ना आपने पढ़ाओ। विच रो शोज द फीचर्स ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर फाउंड इनसाइड एनिमल सेल्स, तो एनिमल सेल में कौन सी होती है कॉमन? ग्लाइकोजन होती है, ठीक है आपको पता है लाइक, तो नाउ लेट्स सी के क्या उसने फीचर दिए, हमें वैसे पता है ग्लाइकोजन के फीचर क्या, हम खुद ही पहले मार्क कर लेते हैं, हमें पता है भाई अल्फा 14 होना चाहिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, करेक्ट, और ब्रांच्ड होता है तो हमें पता है क्या होना चाहिए, अल्फा 16 में होना चाहिए लाइक, और शेप ऑफ मॉलिक्यूल में ब्रांच हेलिकल लिखा हुआ है तो हमें पता है क्या होना चाहिए, ब्रांच्ड होना चाहिए, तो हमने अपना ऑलरेडी मार्क कर लिया, हमें ये तीन चीजें हैं और वो आपको किसमें नजर आ रहा है, ऑप्शन ए के अंदर नजर आ रहा है, एंड आई बिकम योर राइट आंसर इन दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीसैकेराइड फाउंड इन द सेल वॉल्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, अब उसने आपको स्टेटमेंट्स दी हुई है, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, क्वेश्चन दिया हुआ है विच स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो ट्रू फॉर सेलुलोज, तो आपने इनमें से पिक करनी है स्टेटमेंट्स जो सेलुलोज के लिए ट्रू है, सही है ना, बिकॉज ये जिस पॉलीसैकेराइड की बात करें हो सकता है वो सेलुलोज ना हो, वो कोई और मटेरियल जो सेल वॉल में होता है जो आपने ना पढ़ा हो ना, तो आपसे पूछे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सेलुलोज के लिए ट्रू है, तो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ आप मुझे बताएंगे। स्टेटमेंट नंबर वन, द पॉलीसैकेराइड इज कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स, रॉन्ग, बिकॉज सिर्फ एक ही मोनोसैकेराइड होता है, वो क्या होता है मोनोसैकेराइड होता है, वो मोनोसैकेराइड बीटा बीटा ग्लूकोज होता है, सो वन इज आउट, इफ वन इज आउट ए इज आउट बी इज आउट, अब आपके पास एक ही चीज रहेगी है थ्री सही है या नहीं, क्योंकि अगर आप ऑप्शन सी और डी देखें दोनों के अंदर टू तो लिखा है ना, तो टू तो होना ही है, आपने देखने थ्री सही है नहीं, तो मैं फिर भी टू पढ़ रहा हूँ, एग्जाम में तुम क्या करोगे थ्री पढ़ोगे, समझ में आ गई, गलत है तो टू ओनली मार्क कर दोगे, सही है तो टू एंड थ्री मार्क, टाइम सेव क्या करोगे, समझ में आया, टाइम सेव करना है, अभी मैं दोनों पढ़ रहा हूँ, टू दिया हुआ है, द मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे, 1,4 सिर्फ लिखा हुआ है, उसने स्पेसिफाई नहीं किया बीटा या अल्फा, होता तो 1,4 ही है ना, आप बिल्कुल सही लिखे हुए, स्टेटमेंट टू इज एब्सोल्युटली करेक्ट, थ्री आपको वैसे ही देखनी थी मेन के यार, वो हमने पहले ही डिड्यूस कर लिया था, टू तो सही होना ही है, थ्री दिया हुआ है, द पॉलीसैकेराइड कंटेन्स पेंटोज शुगर, रॉन्ग है लाइक, आपको पता है क्या होती है एक्सो होती है, तो थ्री इज रॉन्ग लाइक, एंड टू ओनली इज योर राइट आंसर, एंड आई कोरेस्पॉन्ड टू ऑप्शन डी इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल फॉर्मूला फॉर अ सैचुरेटेड फैटी एसिड इज CnH2nO2, तो अब पूछ रहे तुमसे विच ऑफ दीज फैटी एसिड्स आर अनसैचुरेटेड, तो ये देखो इसमें भी तुम लोग ब्लंडर करते थे, तो मैं बताता हूँ क्या ब्लंडर करते हो, ये जो आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट वन, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, पूछ रहा हूँ मैं आपसे एन की वैल्यू क्या है, वॉट इज द वैल्यू ऑफ एन, 11, मोस्ट कॉमन ब्लंडर इज वॉट, क्या आप क्या ले लो 10, दैट इज द मोस्ट कॉमन, बिकॉज ये भी तो एक कार्बन है ना यार, तो टोटल C11 हो गया ना, तो C11 के हिसाब से अब देखोगे आप, तो अब मैं सैचुरेट का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, अगर C11 वाला होता आपके पास फैटी एसिड, C11 क्यों, बिकॉज 10 ये लिखे में एक ये रहा कार्बन, टोटल 11 कार्बन हो गए ना, तो अगर ये सैचुरेट होता वन वाला, अगर हमें निकाल लें अनसैचुरेट वाले, पहले मैं सैचुरेट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, अगर हमें लगे भाई सैचुरेट से कम हाइड्रोजन है तो वन सैचुरेट होगा, सिंपल सी लॉजिक है लाइक, तो अब मैं निकाल रहा हूँ CnH2n, अगर मैं C11 लेता हूँ तो C11 लूंगा तो ये बन जाएगा C11H22O2, करेक्ट, अगर सैचुरेट होता, क्या होता सैचुरेट, हमारे पास कितने हाइड्रोजन है चेक करो, H19 और ये क्या है H20, होने कितने चाहिए थे, तो दो कम है ना, तो इसका मतलब क्या है, वन इज व्हाट अनसैचुरेटेड, वन इज, डू ऑल ऑफ यू मेक सेंस ऑफ व्हाट आई एम डूइंग नाउ, व्हाट आई एम डूइंग इन लाइफ, तो वन इज व्हाट अनसैचुरेटेड, तो वन तो आपका हो गया, अब आ जाओ टू, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ये बिकॉज फर्स्ट टाइम इस नेचर का सवाल आया, आसान उसने ये कर दिया कि आपकी केमिस्ट्री की नॉलेज यूज नहीं करवाइए, उसने आपको ऑलरेडी जनरल फॉर्मूला दे दिया, लाइक आपको याद होगा हमने एक पास में इसी जैसा क्वेश्चन किया था जिसमें उसने ये भी नहीं दिया था, हेल्प किया आपको,
ये बताना चाह रहा हूँ आपको, हेल्प किए क्वेश्चन में, सही है। नेक्स्ट आपको 2 दिया हुआ है C15H31 CO2H, इसमें C क्या हो जाएगा 16, C16 लिया, H पे क्या होना चाहिए था 32 और वो आपके पास 2 आ जाता। अब देखो तो H31 और H ये देख रहे हो एग्जैक्टली 32 आ गया, इसका मतलब है ये वाला 2 क्या है, सैचुरेटेड है, क्या है? तो जितने भी ऑप्शंस में 2 लिखा हुआ है दोज आर रॉन्ग, तो मैं ऑप्शन 2 वाले अगर हटाता हूँ, ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया मैंने, व्हाट इज माय राइट आंसर? एंड यू विल सी कि जब आप ये दोनों भी करोगे इनके अंदर भी हाइड्रोजन सैचुरेट से क्या आएंगे, दिस इज हाउ यू अप्रोच देम। अभी सेम चीज मैं उसमें नहीं करूंगा 3-4 में, जरूरत ही नहीं ना, मैं क्यों करूं यार, करना हो आप जाके कर लीजिए। लाइक आप देखेंगे 3 और 4 के अंदर जो सैचुरेट में हाइड्रोजन आ जाते हैं उससे कम होंगे, लाइक फॉर द गिवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उससे क्या होंगे, कम होंगे लाइक। तो दिस इज हाउ यू विल गेट योर राइट आंसर, जो यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इनेबल्स ट्राइग्लिसराइड्स टू परफॉर्म देयर फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब गौर से देखना, 1 ट्राइग्लिसराइड्स हैव हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक रीजंस, रॉन्ग, पहले ही रॉन्ग हो गया ना, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, आपने जो है वो ये रॉन्ग की, इफ स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग, करेक्ट। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगेन 2 और 3 लिखा हुआ है और 2 ओनली लिखा हुआ है ना, जिसका मतलब क्या है 2 सही है, 3 देखना है, फिर मैं 2 पढ़ रहा हूँ, फिर 3 पढ़ रहा हूँ। 2 दिया हुआ है ट्राइग्लिसराइड्स हैव अ हाई रेशियो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू कार्बन एटम्स, ये आपने किया हुआ भी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी हुई है, सो दे हैव व्हाट अ लार्ज नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स, और जाहिर सी बात होने की वजह से वो एनर्जी स्टोर बहुत अच्छा काम करते हैं, तभी तो हम बोलते हैं दे सर्व एज व्हाट, दे सर्व एज एनर्जी स्टोर लाइक। अब तीसरी देखो स्टेटमेंट क्या, बिकॉज वो आपने मेन देखी ना वो सही है गलत, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स रिलीजेस मेटाबॉलिक वाटर, सो याद रखो ये स्टेटमेंट 2 जगह से रॉन्ग है, कितने जगह से, 2 जगह से रॉन्ग है, बताता हूँ क्यों। नंबर 1 तो हाइड्रोलिसिस में रिलीज नहीं होता, क्या होता है यूज होता है, नंबर 1 वो मेटाबॉलिक नहीं होता, वाटर होता है भाई, ये याद है हमने लिपिड्स का फंक्शन किया था कि जब लिपिड्स की रेस्पायरेशन की जाती है तो पानी बहुत ज़्यादा बनता है, एंड इतना ज़्यादा बनता है कि जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं उस पानी को यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट रिएक्शन, वो होता है लिपिड्स का यूज एज व्हाट, एज मेटाबॉलिक सोर्स ऑफ वाटर। ये पढ़ना जाके तुम लोग हर चीज इग्नोर कर देते हो ना, अभी ये आएगा ये नहीं आएगा, तो पढ़ना जाके तुम लिपिड्स के यूज में तुम्हें मिलेगा लाइक लिपिड्स का यूज एज अ मेटाबॉलिक सोर्स ऑफ वाटर, लेकिन वो होता है जब लिपिड्स की क्या की जाती है, रेस्पायरेशन की जाती है, क्या की जाती है, रेस्पायरेशन। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है दैट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट लाइक ऑन 2 अकाउंट, मैंने तुम्हें पढ़ के दिखाया लाइक, तो 3 इज व्हाट रॉन्ग ओवर है, अगर आप 3 रॉन्ग कर देंगे तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 2 ओनली, दूसरे गाइस यहाँ पे लिखा है ना इट लाइक रिलीजेस मेटाबॉलिक, ये मेटाबॉलिक वाटर उससे रिलीज होता है जब लिपिड्स की रेस्पायरेशन होती है लाइक, तो ये भी चीज अलग लिखी है मेटाबॉलिक वाटर, जस्ट सिर्फ वाटर लिखना चाहिए था यहाँ पे, नॉट मेटाबॉलिक वाटर लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शोज 3 एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स, तो आपको 3 बॉन्ड्स शो किए हैं, पहले तो इनका नाम बता दो मुझे क्या है लाइक, व्हाट आर दीस बॉन्ड्स, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, बिकॉज डॉटेड लाइन से दिया हुआ है, इट कांट बी अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से मतलब कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, तो दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट यू सी बिटवीन NH एंड CO, व्हाट अबाउट दिस बॉन्ड, peptide bond, what about this one, disulfide bond, ab wo pooch rahe hai which bonds hold the quaternary structure of proteins together, quaternary structure mein hote hain bonds between the r groups, bonds between what, r groups, wo bonds hai wo aapke paas ye wala bhi ho sakta hai jo ki disulfide bond hai aur ye wala bhi ho sakta hai jo ki kya hai hydrogen bond hai, dono kisam ke bond ho sakte hain but ye nahi ho sakta like, do all of you make sense of why this can't be, because ye hota hai primary structure mein, quaternary structure mein side chains ke beech mein bond hote hain jo r groups hote hain उनके बीच में होते हैं, तो आप बॉन्ड 1 एंड बॉन्ड 3 करोगे एंड दैट विल कोरिस्पोंड टू व्हाट, कोरिस्पोंड टू ऑप्शन सी इन दिस केस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लॉ करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ सम प्रोटीन्स, तो आपके पास जो है वो 4 स्ट्रक्चर्स हैं, उनसे पूछा कौन, और ये इस तरह के सवाल पहले भी आ चुके हैं, जब भी ऐसे सवाल होते हैं कभी भी एक चीज पढ़ के फौरन आंसर नहीं मार्क किया करो, चारों चीजें देखा करो एक पर्टिकुलर रो में और फिर आंसर मार्क किया करो। मैं तुम्हें इसकी अप्रोच बताता हूँ करने का तरीका क्या होता है, आप पहले ये करें, आप पहला कॉलम पढ़ें, उसमें से जो जो सही स्टेटमेंट वाले ऑप्शन हो सकता है उसी में 2-3 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन तो या एक ऑप्शन कहीं ना कहीं निकल जाए तो वहीं निकाल देना ना लाइक, बाकी फिर आगे पढ़ना उनके जो बाकी ऑप्शन बच जाएंगे उनके बाकी कॉलम्स की चीजें पढ़ना। मैं बताता हूँ किस तरह करोगे, ऑप्शन जो पहला वाला कॉलम है दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, लेट्स रीड थ्रू ऑल 4 ऑफ दी स्टेटमेंट्स, डिटरमाइंस द फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में, बी में दिया हुआ डिफाइंस द ऑर्डर ऑफ द अमीनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड, सी दिया हुआ इन्वॉल्व्स कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली लाइक, डी दिया हुआ इन्वॉल्व्स पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन द साइड चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स, तो अगर तुम्हें थोड़ा सी हैरानगी होगी बट इन चारों में से जो एक चीज तुम डेफिनेटली काट सकते हो ना डेफिनेटली, वो सिर्फ है जो आखिरी चीज लिखी हुई है
वो तुम डेफिनेटली कर सकते हो. व्हाट डू दे मीन बाय साइड चेन्स ओवर हियर? आर ग्रुप्स. तो आर ग्रुप के बीच में थोड़ी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है यार लाइक. तो आप ये चीज डेफिनेटली कर सकते हैं. बाकी जो दिए हुए ना लाइक उनमें स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जिनमें कुछ में एमबीपीडी कुछ में आप शो रहे हैं यार ये तो होता ही है. डोंट कट देम राइट. अब मैं बताता हूँ उसको नेक्स्ट कॉलम में जाके अप्रोच करेंगे. अब आप ये सब काट देंगे, ये सब काट देंगे. अब जब आप सेकंड कॉलम में जाएंगे ना तो सेकंड कॉलम में आप चारों नहीं पढ़ेंगे. सेकंड कॉलम में आप कौन से पढ़ेंगे? ये तीन पढ़ेंगे और शॉर्टलिस्ट करते जाएंगे आपका आंसर क्या हुआ. दैट्स द बेस्ट वे ऑफ अप्रोचिंग दिस क्वेश्चन. बिकॉज ऐसे जब आते ना टेबल बने हुए लाइक तो उसमें अक्सर जो है वो आपको लगता है ये सही आंसर होगा, एक्चुअल आंसर सही वो नहीं होता. तो इस तरह आप अप्रोच करेंगे आपने सही आंसर पर जरूर पहुंचेंगे. अब आए सेकंड कॉलम पे. सेकंड कॉलम में देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है. डिपेंड्स ऑन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द साइड चेन्स ऑफ अमीनो एसिड. देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर में साइड चेन्स में नहीं होती है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है? पेप्टाइड बॉन्ड्स के बीच में होती है. आर ग्रुप्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में होती है लाइक. तो आई एम श्योर कि ये जो चीज लिखी हुई है वो क्या है? रॉन्ग है. तो मैं अब क्या करूंगा, मैं ऑप्शन ए जो होगा वो भी क्या कर दूंगा, काट दूंगा यहाँ से. आई विल नॉट रीड थ्रू ऑप्शन ए नाउ. मैं अब बाकी दो पढ़ रहा हूँ जो यहाँ लिखे हुए. यूजली फॉर्म्स इमेजली आफ्टर पॉलीप्राइसिंथेसिस लाइक यॉमली जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं भाई. प्राइमरी और सेकेंडरी फोल्डिंग जो होती है वो जब सॉरी सेकेंडरी प्राइमरी तो फॉर्म ही बन जाता है ना जब पेप्टाइड चेन बनती है. सेकेंडरी फोल्डिंग जैसी वो आएगा ना आर ई आर में तो उसका सेकेंडरी फोल्डिंग हो जाएगी लाइक. बट हम इसको रहने देंगे, हम इसको अजूम हम आपको ये नहीं समझ में आया ऑप्शन, आप उसको भी रहने दो लाइक. अभी काट नहीं इसको लाइक. फिर सी पे आ जाओ. इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन एच एंड ओ. बिल्कुल ऐसा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं लाइक. इसको हम रहने देते हैं, हमें पता है एनएच और सीओ के बीच में होता है. NH और CO के बीच में होता है ना, तो हो सकता है उस NH का ये H हो और CO का ये O, ऐसा भी तो हो सकता है ना लाइक. तो आप इन दोनों को छोड़ दो. आपने अब A निकाल दिए, D निकाल दिए, बस B और C में कंपटीशन है. अब आप जब नेक्स्ट कॉलम पे जाओगे ना तो सिर्फ B और C पढ़ोगे लाइक. समझ में आ गया लाइक. हो सकता है उससे ट्रिम डाउन कर दो आप आंसर, हो सकता है ना करो, फिर आप आखिरी कॉलम पे जाओगे. दैट्स हाउ यू गेट योर राइट आंसर. बेस्ट वे ऑफ डूइंग द सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. आपका गलती का प्रोबेबिलिटी बहुत लो हो जाता है. सी में अब इसमें आ जाओ. टर्शियरी स्ट्रक्चर में यहाँ लिखा है इज हेल्ड टुगेदर बाय ऑल द टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग दैट अकर इन प्रोटीन. दैट इज रॉन्ग. डू यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज रॉन्ग लाइक? इट्स नॉट ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड भाई, दोज आर बॉन्ड्स बिटवीन द साइड चेन्स. ऐसे तो ये ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स है. अगर मैंने ये गलत कर दिया तो अब मैं बी निकाल दूंगा. नाउ आई एम श्योर सी विल बी माई राइट आंसर. तुम अगर ये दूसरे तरीके से करोगे ना, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ गारंटी देके, कभी भी सी सही आंसर पर तुम नहीं पहुंच सकते, कभी भी नहीं पहुंच सकते. इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये अप्रोच अपनाना वहाँ पर. समझ में आ गया लाइक. अब देखो यहाँ लिखा गया है टर्शियरी स्ट्रक्चर एसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ एंजाइम रिसेप्टर. बिल्कुल सही लिखा हुआ, बिकॉज टर्शियरी स्ट्रक्चर में तो 3D फोल्डिंग आती है यार, तभी तो हम बोलते हैं एंजाइम्स हैव अ मिनिमम टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक, क्योंकि उनसे एक्टिव साइट बन जाता है. रिसेप्टर का भी वही कॉन्सेप्ट होता है कि रिसेप्टर में एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ एक शेप आ जाता है दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ वॉट ऑफ द सिग्नल सेल मॉलिक्यूल जो आके वहाँ पे बाइंड करेगा लाइक. तो याद रखो लाइक बिल्कुल सही चीज दी हुई है. और फिर यहाँ देखो कॉर्डनी स्ट्रक्चर में फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर पॉलीपेप्टाइड्स जॉइन टुगेदर. आपको पता ही है बिल्कुल सही लिखा हुआ है. सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस. प्लीज रिमेंबर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यार, डोंट ट्राई टू लूज योर मार्क्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ यार टाइम कम है टाइम है. कोई टाइम कम नहीं होता यार, आप आराम से कर लेते. मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो ये हम सवा घंटे के अंदर पेपर कर लेते हैं यार लाइक. आप वहाँ कौन सा कोई एक्सप्लेनेशन कर रहे होगा, आप तो बैठ के पेपर कर लोगे ना लाइक. आप आराम से कर लोगे, सवा घंटा बहुत टाइम होता है. और ये हम मार्च 2022 पेपर कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक पेपर नहीं कर रहे. स्पेसिफिक पेपर बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन नहीं होते अक्सर ऑफ द एक्चुअल डिफिकल्टी. बट मार्च 22 का जो पेपर था वो तो एक्चुअल पेपर था ना जो एडमिनिस्टर हुआ था अकॉर्डिंग टू द न्यू कोर्स दैट यू हैव लाइक. तो उस क्वेश्चन में आपको भी थ्रेशोल्ड ही बता दूंगा एंड में. थ्रेशोल्ड वाज अनयूजुअली लो, आई डोंट थिंक द पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट. जब एक्चुअल एग्जाम में जब बच्चे बैठते हैं तो यार ऐसी बात है, छोटी छोटी कन्फ्यूजन होती है और गलत ऑप्शन मार्क हो जाता है लाइक. आई डोंट नो हाउ मेनी व्हाट परसेंटेज, बिकॉज एग्जाम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, व्हाट परसेंटेज ऑफ किड्स मार्क दिस राइट और रॉन्ग. और वंस वी हैव दैट एग्जाम रिपोर्ट वी विल आल्सो हैव अ फेयर आइडिया ऑफ हाउ पर व्हाट परसेंटेज ऑफ किड्स डिड व्हिच परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस राइट और रॉन्ग लाइक. सो बहुत अच्छा आइडिया होता है अबाउट द क्या नाम है द क्वेश्चन की क्वालिटी का भी लाइक. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. विच रिलेशनशिप्स कुड बी इन्वेस्टिगेटेड यूजिंग अ कलरीमीटर. यू नो व्हाट इज अ कलरीमीटर? वो डिवाइस होती है जो क्या मेजर कर सकती है, कलर चेंजेस दैट हैपन इन द रिएक्शन. तो वो रिएक्शन जिसमें कलर चेंजेस हो रहे होते हैं विद टाइम, उनको आप उनका रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं यूजिंग अ कलरीमीटर. ठीक है, कौन सा रिएक्शन जिनमें क्या होता है, कलर चेंज होता है विद टाइम. ठीक है, हम देखो नंबर वन, द इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट एट विच अ सॉल्यूशन ऑफ अ लाइट सेंसिटिव डाई चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू कलरलेस. तो कलर चेंज आ रहा है ना, तो यू कैन मेजर इट यूजिंग व्हाट, यूजिंग अ, यू कैन इन्वेस्टिगेट दिस एक्सपेरिमेंट यूजिंग व्हाट, यूजिंग द कलरीमीटर. तो वन आपका करेक्ट हो गया. टू दिया हुआ है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एंड टिश्यूज विद पिगमेंटेड सेल्स सच एज बीटरूट. तो जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा
तो आपके पास सेल मेम्ब्रेन ज्यादा ब्रेक डाउन होंगी और ज्यादा पिगमेंट बाहर आएगी और कलर क्या होता जाएगा ज्यादा इंटेंस हो जाए, तो कलर चेंज भी कलर चेंज आपके पास आ रहा होगा। तो इसको भी आप आराम से मेजर कर सकते हैं। करेक्ट थ्री पे आ जाओ। द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द रेट ऑफ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड बाय कैटलाइज। ये कहते नो, व्हाई? कलर चेंज नहीं आएगा ना, ऑक्सीजन और वाटर बनेगा तो कलर चेंज क्या आएगा? कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा लाइक। तो दिस इज आउट। तो इफ थ्री इज आउट आपको पता है दिस इज आउट, ऑप्शन ए इज आउट एंड ऑप्शन डी इज आउट। अब आपको पता है भाई वन एंड टू हमने ऑलरेडी सही किया हुआ है, बट फोर अभी हमने पढ़ा नहीं है। हम फोर पहले पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत फिट चीज नजर आएगी, जिसकी वजह से आप एक्चुअल एग्जाम में अगर होते तो दो तीन मिनट तो जाया करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ फोर में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको हिंट दूंगा, आप मुझे बताएंगे क्या लॉजिक हो सकती है। द इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्किन कलर ऑफ लिजर्ड्स दैट बिकम पेलर इन ब्राइट लाइट। गुड, छिपकली है उसके थ्रू थोड़ी लाइट जाएगी, सॉलिड है, ब्लॉक हो जाएगी, क्या चेक करोगे? चेंज इन कलर इंटेंसिटी लाई, ये लॉजिक वो चेक कर रहे थे यहाँ पे। अब एक सॉलिड के थ्रू कलरिंग मीटर काम किस तरह करता है? आप जो सोल्यूशन होता है उसके थ्रू लाइट पास करते हो ना लाएगी यार, तो छिपकली के थ्रू लाइट थोड़ी जाएगी, आप लाइट मारोगे ब्लॉक हो जाएगी भाई, आगे कुछ जाएगा नहीं, तो क्या चेक करोगे चेंज इन कलर इंटेंसिटी लाई? कुछ भी चेंज नहीं आएगा आपके पास। तो ये लॉजिक थी यहाँ पे लाई हो, आप बोलो कलर चेंज तो हो रहा है, अब मतलब ये दीवार का कलर चेंज हो रहा है, मैं कलरिंग मीटर से थोड़ी चेंज कर लूंगा, चेक कर लूंगा यार इंटेंसिटी चेंज इन कलर इंटेंसिटी क्या हो रहा है। यू कांट डू इट फॉर व्हाट? फॉर सॉलिड्स यू कैन ओनली डू दिस फॉर एक्वस मीडिया लाइक सॉल्यूशंस के लिए आप कर सकते हैं जिनका कलर चेंज हो रहा है। एंड दैट इज व्हाई 4 वाज व्हाट रॉन्ग ओवर हियर, 1 एंड 2 वाज द राइट आंसर कॉरस्पोंडिंग टू ऑप्शन बी इन दिस केस लाइक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर अ कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट टू बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू टेक प्लेस? तो ये सिंपल पिकिंग्स हैं, आप आराम से ऑप्शन देके देखते हैं। फर्स्ट एड डिफ्यूजन के लिए जाहिर सी बात है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडिएंट चाहिए होता है, ऑस्मोसिस के लिए वाटर पोटेंशियल ग्रेडिएंट चाहिए होता है, ट्रांसपिरेशन के लिए भी वाटर पोटेंशियल ग्रेडिएंट चाहिए, तो इन तीनों के लिए ग्रेडिएंट चाहिए होता है। द ओनली ऑप्शन दैट इज गिवन ओवर हियर जिसके लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडिएंट नेसेसरी नहीं होता, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सोसाइटोसिस ओवर हियर। ठीक है, बिकॉज ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, इसमें कोई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडिएंट का लिंक नहीं होता, लाइक इट्स एन एक्टिव प्रोसेस एंड यूजली हैपेंस फॉर लार्जर मॉलिक्यूल्स when they are leaving the cell. ठीक है, next question. High concentrations of ethanol, and I feel this was the only question in the entire paper which was जिसको आप बोल सकते हो actual challenging question वाला है. This required some knowledge. So I'm pretty sure like जो actual exam आएगा most of the kids would have done this wrong. Like तो मैं सवाल पढ़ रहा हूँ पहले. सही है. High concentrations of ethanol disrupt cell membrane structure by denaturing proteins. And increasing the separation of adjacent phospholipid molecules. पहले बताओ अंग्रेजी समझ में आ रही है क्या? लिखा लिखा है phospholipid molecules के बीच में जगहें बढ़ जाती हैं like, ठीक है ना, spacing बढ़ जाती है. As a result, cell membranes can decrease in thickness by up to 30% and become more permeable. तो ये जो लिखा है ना लाइक, जिसको ये समझ में आया होगा ना उसने सही आंसर मार्क किया होगा सोच के, जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी जो आप सबको भी नहीं आई होगी जो आप बैठे हो जो सुन भी रहे हो, आप सही आंसर पे नहीं पहुंच सकते। तो पहले मैं आपको ये लॉजिक समझा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज दिस इज एसेंशियल टू गेटिंग टू द राइट आंसर। इधर देखो यार, मैं तुम्हें समझाता हूँ लिखा क्या है। एक बार नीड योर अटेंशन, एक मैं यहाँ देखो कुछ मैं लिखूँ। इमेजिन करो ये आपकी है फॉस्फोलिपिड बायलेयर, उसकी मैं एक मोनोलेयर ये बना रहा हूँ और दूसरी मोनोलेयर यहाँ बना रहा हूँ। जानबूझ के मैं दो अलग अलग कलर्स कर रहा हूँ तुम्हें एक चीज़ दिखाने के लिए। तो ये आपके पास आ गई फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ठीक है। अब आपके जहन में अगर आ रहा है मैंने अलग अलग कलर क्यों दिखाए हैं, इमेजिन करो अब कि इन फॉस्फोलिपिड्स के बीच में जगहें हो जाएं, क्या हो जाएं, जगहें बन जाएं और ये खुले खुले हो जाएं। तो अगर ये खुले खुले हो जाएंगे तो इमेजिन करो एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, लेट्स से तीन बना उनमें से लाइक, और जो ब्लू वाले थे एक मैं इनकी वही बना देता हूँ, ये आपके पास थी, और जो ब्लू वाले थे वो एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, ठीक है ना, लेट्स से ये स्पेसिंग बढ़ गई ना, तो ये स्पेसिंग होगी। तो अभी गौर से देखो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब स्पेसिंग बढ़ती है ना तो ये वाली लेयर के जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और ये वाली लेयर के जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं दे माइट ओवरलैप। ये हो सकता है थोड़ा सा मूव करके ये वाली चीज़ इस तरफ चले जाए, ये इधर चले जाए, ये इधर चले जाए, तो ओवरऑल थिकनेस जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो किसी तरह इन स्पेसेस को भरना होता है, क्या करना होता है, भरना होता है कि ये जगह ना बचे बीच में, ताकि ये क्या ना करें, ओवरलैप ना करें। अगर मैं तुम्हें ओवरलैप करके दिखाऊंगा ना तो ओवरलैप करके आपको ये चीज़ नजर आएगी। तो जो मैं तुम्हें एक्चुअली ये करके दिखाता हूँ,
या मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ किस तरह का दिखता है ये, एक्चुअल किस तरह का दिखता है। कट पेस्ट करता हूँ मैं, थोड़ा सा विजुलाइज करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो इमेजिन करो ये यहाँ आ गया, थोड़ा सा इमेजिन करो ये वाला जो है वो थोड़ा सा इधर आ गया, ठीक है, और इमेजिन करो ये वाला जो है वो थोड़ा सा इधर आ गया, ठीक है ना। मैं बीच में से इसको मिटा देता हूँ, जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर फॉर यू। तुम देख रहे हो ओवरऑल थिकनेस कम हो गई है मेम्ब्रेन की, कैन यू सी दैट। पहले जो थिकनेस थी वो क्या थी मेम्ब्रेन की, दिस वॉज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, अब थिकनेस क्या हो जाएगी, दिस विल बी द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, कैन यू सी दैट। दिस इज व्हाट दे मीन बाय रिडक्शन इन द मेम्ब्रेन थिकनेस। लाइक तो आप चाहते हैं कि एक लेयर के जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो दूसरी लेयर के साथ निट्रीजिटेट ना करें, समझ में आ गए ना। तो ये किस तरह हो रहा होगा, बॉन्डिंग किस तरह हो रही होगी, ये वाले फॉस्फोलिपिड, ये वाले जो फैटी एसिड टेल्स हैं वो इन वाले फैटी एसिड टेल्स के साथ बॉन्ड बना लेंगे लाइक। और यहाँ तो आपके पास जो ओवरऑल थिकनेस होगी मेम्ब्रेन की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं कि अगर किसी तरह ये जो स्पेसिंग है ना बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स जो आप क्रिएट हो जाती है लाइक तो आफ्टर एल्कोहल का इफेक्ट, उस स्पेसिंग को हम क्या कर दें, मिनिमाइज कर दें लाइक। वो स्पेसिंग किस तरह मिनिमाइज हो सकती है कि ये जो फैटी एसिड टेल्स है ना सीधी सीधी, अगर ये इमेजिन करो सीधी सीधी नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी होती। और टेढ़ी मेढ़ी कब हो सकती है, जब इनमें क्या हो, जब इनमें क्या हो, जब डबल बॉन्ड्स हो इनमें, तो जो वो स्पेसिंग क्रिएट हो रही है वो स्पेसिंग क्या हो जाती, मिनिमाइज हो जाती है। और आपके पास ये जो है ना फॉस्फोलिपिड्स जो इंटरडिजिटेट कर रहे हैं वो क्या हो जाता, कम हो जाता। अब ये थोड़ा सा यार ऐसा क्वेश्चन था जिसमें वहाँ एग्जाम में होकर तो दिमाग ला के करना, इट वॉज रियली हार्ड टू बी ऑनेस्ट लाइक। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस वॉज द ओनली, परहैप्स दिस वॉज द ओनली डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द एंटायर पेपर लाइक। अब मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था एज एन आंसर। तो पैराग्राफ तो मैंने पढ़ लिया था, मैं दो बार पढ़ लेता हूँ ताकि आप ये चीज रिलेट कर लें। सो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल डिस्टर्ब सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बाय डीनेचरिंग प्रोटीन्स एंड इंक्रीजिंग द सेपरेशन ऑफ एडजेसेंट फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, एज रिजल्ट सेल मेम्ब्रेन्स कैन डिक्रीज इन थिकनेस बाय अप टू 30% एंड बिकम मोर परमिएबल। तो ज्यादा थिकनेस डिक्रीज क्यों आई, वो मैंने आपको लॉजिक बता दी क्यों होती है, जब इन फॉस्फोलिपिड में और इन फॉस्फोलिपिड में जगह बीच में रह जाती ना, तो ये वाला दूसरी लेयर के फॉस्फोलिपिड्स पहली लेयर के साथ और पहली लेयर के दूसरी लेयर के साथ इतना इंटरडिजिटेट करना शुरू कर देते हैं लाइक। और आपके पास जो है वो थिकनेस क्या हो जाती है, ओवरऑल कम हो जाती है। ये सेल्स रिलीज इथेनॉल एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन इन द एनवायरमेंट। ये सेल्स आर एबल टू इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन्स टू इथेनॉल। तो ये सेल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो सर्वाइव कर सकें, ऐसा नहीं हमेशा ही कर जाएंगे, जब एक सर्टेन लेवल से ऊपर जब इथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन होती है तो यीस्ट भी मर जाते हैं, फिर ऐसा नहीं होता कि टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होती है। विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द रिस्पॉन्स टू इथेनॉल दैट कुड अकाउंट फॉर द इंक्रीज इन द टॉलरेंस ऑफ यीस्ट सेल मेम्ब्रेन्स टू इथेनॉल। अब ये देखो यार, मैं आपसे आपको बताता हूँ क्या है, मैं चाहता हूँ हर ऑप्शन को समझ भी दो, सही है। पहला ऑप्शन, डिक्रीजिंग द रेशियो ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद इन द सेल मेम्ब्रेन्स हेल्प्स टू प्रिवेंट, गौर से देखना क्या लिखा है, the tails of the phospholipids on one side of the bilayer from sliding past the tails of the phospholipids on the other side of the bilayer. Do all of you make sense of what is written in option A over here? Do all of you think that this can solve the problem? Of course it can solve the problem. This is how they will develop the tolerance, because hota ye na jab spacing badh jati hai between the phospholipids to ye jo fatty acid tails ye wali hai s wali monolayer ki thi blue wali, वो फैटी एसिड टेल्स रेड वाली मोनोलेयर के साथ जो है ओवरलैप करना शुरू कर देती ना, उनको आप प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं कि अगर आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ा दें, तो अगर आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ाएंगे तो जो रेशियो ऑफ होगा सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। रेशियो किसका है, सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड, ये डिक्रीज कब होगा, जब अनसैचुरेटेड बढ़ेंगे और सैचुरेटेड क्या होंगे, कम होंगे लाइक। समझ में आई ना। और हम भी तो ये चाह रहे थे कि भाई अगर फॉस्फोलिपिड में जो फैटी एसिड टेल्स हैं उनमें अगर किंग्स आ जाए, अगर उसमें जो है वो बेंड्स आ जाए, तो वो जो स्पेसिंग है वो थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब वो स्पेसिंग कम होगी तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से आपके पास क्या होएगा, जो फैटी एसिड टेल्स आपस में इंटरडिजिटेट करी है वो नहीं होंगी और मेम्ब्रेन थिकनेस जो है वो क्या नहीं होगी, रिड्यूस नहीं होगी, और उसकी वजह से परमियबिलिटी भी इतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं होगी। तो दे एक्सपेक्टेड यू टू पिक दिस एज व्हाट एज द राइट आंसर एंड आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी एक्चुअली, बिकॉज अभी मार्किंग स्कीम आया है, सिर्फ वो नहीं आया है लाइक एग्जाम रिपोर्ट नहीं आया है, तो वी डोंट रियली नो, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट दिस वुड हैव बीन लाइक वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो कि रेयरली किसी बच्चे ने सही किया होगा लाइक, या तुक्का मार दिया होगा तो सही कर दिया होगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द किड्स जो मेरा ख्याल है जिन्होंने मोस्ट कॉमन आंसर मार्क किया होगा, दैट वुड हैव बीन ऑप्शन डी इन दिस केस लाइक। मैं बी और सी पढ़ लेता हूँ, बल्कि बी और सी तो खैर है ही ऐसे कि आप आराम से खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं डी पढ़ लेता हूँ, आई विल टेल यू व्हाई डी इज नॉट द राइट आंसर। तो इधर देखिए, increasing the proportion of ergosterol
इन द सेल मेम्ब्रेन प्रिवेंट्स द एक्युमुलेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज इथेनॉल विद इन द सेल. जो पहला जुमला लिखा है ना, यही रॉन्ग लिखा हुआ है, बिकॉज इथेनॉल लिपिड को क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर देता है. इट्स वन ऑफ दोज पोलर मॉलिक्यूल्स दैट हैज द एबिलिटी. अबे आप करते ना इथेनॉल इमल्शन टेस्ट, तो प्रिवेंट कहां से करेगा ये? मतलब आप वहां थोड़ी सी लॉजिक लगाए थे वहां, क्या आपने तो दिया नहीं पेपर, आप आगे पढ़ते ही नहीं कि भाई कहां से कौन सी प्रिवेंशन. इथेनॉल इज नोन फॉर डिसॉल्विंग लिपिड्स लाइक. और सवाल ये पैदा होता है, अबे हमें कैसे पता चलेगा अर्गोस्ट्रॉल लिपिड है? एग्जाम में सवाल आता ना, पता कैसे चलेगा अर्गोस्ट्रॉल लिपिड है? वो उन्होंने आगे लिख दिया था, अर्गोस्ट्रॉल इन यीस्ट सेल्स हैज अ सिमिलर इफेक्ट ऑन मेम्ब्रेन परमियबिलिटी एज कोलेस्ट्रॉल इन मेम्ब्रेन सेल्स. सो सब आपको आईडिया हो गया कि दिस इज अ टाइप ऑफ व्हाट, दिस इज अ टाइप ऑफ लिपिड. तो प्लीज रिमेंबर लाइक जो ऑप्शन ए है दैट इज द राइट आंसर ओवर हियर. मोस्ट कॉमन, आई एम प्रीटी श्योर कि जब इसकी एग्जाम रिपोर्ट आएगी तो उसमें जो मोस्ट कॉमन आंसर लिखा होगा वो डी लिखा होगा, एंड दैट विल बी द मोस्ट कॉमन इनकरेक्ट आंसर एज वेल. द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इन्वेस्टिगेशन अ प्लांट सेल वाज प्लेस्ड इन प्योर वाटर. द इनिशियल रेट एट व्हिच द वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर्ड द सेल आर वाज ग्रेटर देन द इनिशियल रेट एट व्हिच द वाटर मॉलिक्यूल्स लेफ्ट द सेल. ठीक है, बिकॉज पानी जो है वो नेट मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं ना, तो पानी तो अंदर बाहर जा ही रहा होता है यार, लाइक इट्स द नेट मूवमेंट दैट वी नो इज व्हाट वी कॉल एज ऑस्मोसिस. तो पानी अंदर ज्यादा रेट में जा रहा होगा एज कम्पेयर टू बाहर, इसलिए पानी अंदर आ रहा है, नेट अंदर आ रहा है पानी. सही है. इन अ सेकंड इन्वेस्टिगेशन, अ प्लांट सेल ऑफ द सेम टाइप वॉज प्लेस इन अ सोल्यूशन विद अ वाटर पोटेंशियल इक्वल टू दैट ऑफ द सेल कॉन्टेंट. यानी कौन सा वाला सोल्यूशन हो गया, इसको आप आइसोटोनिक भी बोलते हैं पुराने टर्म में, सेम वाटर पोटेंशियल है. तो इसका मतलब ये होगा कि नेट मूवमेंट पानी की कोई नहीं होगी, अंदर बाहर अंदर भी उतना ही आ रहा होगा जितना कहाँ जा रहा होगा, बाहर जा रहा होगा. लाइक व्हाट विल हैपन इन द सेकंड इन्वेस्टिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 मिनट्स. ठीक है, अब यहाँ देखो, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 मिनट्स वाटर मॉलिक्यूल्स विल नॉट एंटर और लीव द सेल बिकॉज द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल कॉन्टेंट इज इक्वल टू दैट सॉल्यूशन. दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग. वाई? बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल अंदर बाहर तो हो जाएगा, बट वो क्या होगा, सेम रेट पे जा रहा होगा. लाइक तो आपके पास ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ नेट. हम बोलते हैं ना, नहीं ऐसा थोड़ी है पानी को आप रोक सकते हो, पानी जितना अंदर जा रहा होगा उतना जो है वो बाहर भी जा रहा होगा. तो ऑप्शन ए रॉन्ग है, सही नहीं है ऑप्शन है, ऑप्शन बी. बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप एग्जाम में भी होते तो इसको रॉन्ग ही मार्क करते हैं. बी, वाटर मॉलिक्यूल्स विल एंटर एंड लीव द सेल इन इक्वल अमाउंट्स. बिल्कुल सही चीज लिखी है, बोथ एट एन इनिशियल रेट दैट इज लेस देन आर इन द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन. बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेस देन आर क्यों होगा, बिकॉज इतना ग्रेडियंट नहीं है ना यार, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट डिटरमिन्स ना कितना रेट होता है. लाइक तो यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे बहुत ही स्लो रेट में अंदर बाहर बेसिकली क्या कर रहा होगा, पानी जा रहा होगा. वो जो स्लो रेट होगा वो बराबर होगा, जितने रेट से वो बाहर जा रहा होगा उतने रेट से वो अंदर भी आ रहा होगा, एंड दैट विल बी लेसर वैल्यू, विल बी लेसर देन द वैल्यू जब आर में आपने डाला होगा, बिकॉज वो तो बहुत ही स्टीप वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट में होगा जब आर में आर को आपने पानी में डाला होगा. लाइक तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर. सी और डी गलत क्यों, मैं बता देता हूँ. सी में लिखा हुआ है, सारे बी सी डी सारे ऑप्शन में ना यहाँ तक चीज सेम ही लिखी हुई है, तुम देखो सेम ही चीज लिखी हुई है, सिर्फ आगे वाला कॉमा के बाद वाली चीज अलग लिखी हुई है. लाइक तो सी में लिखा हुआ है वाटर मॉलिक्यूल्स विल एंटर लीव द सेल इन इक्वल अमाउंट्स, करेक्ट. बोथ एट एन इनिशियल रेट दैट इज ग्रेटर देन आर, रॉन्ग. आर में तो जो आपके पास था ना ये आर, वो आपने पानी में डाला था यार, उसमें सबसे ज्यादा रैपिड होगा मूवमेंट, रेट ऑफ मूवमेंट उससे ज्यादा नहीं हो सकती. लाइक और डी में लिखा हुआ है कि वो इक्वल रेट पे था एज कम्पेयर टू द आर, लाइक वो भी गलत है, बिकॉज वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना नहीं है यहाँ पे. लाइक बाहर और अंदर वाटर पोटेंशियल सेम है, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे रेट ऑफ मूवमेंट बहुत स्लो, और जितना रेट अंदर से बाहर पानी में हो रहा है लाइक उतना ही बाहर से अंदर में भी मूवमेंट होगा, लाइक बराबर रेट होगा. तो नेट मूवमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. हम बोलेंगे ऑस्मोसिस एक्चुअली नहीं हो रही है. लाइक ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप आंसर कर लेंगे, सिंपल पिकिंग है. द प्रोटीन P53 इज प्रोड्यूस इन अ सेल इन रिस्पॉन्स टू डीएनए डैमेज. दिस प्रोटीन स्टॉप्स द सेल साइकिल फॉर अ शॉर्ट टाइम just before the DNA is replicated, so that the DNA can be repaired. So DNA replication किस stage पे होती है? उससे पहले ही हो रहा होगा, ठीक है? तो at which phase of the cell cycle will this stop अगर? G1. Do of enzyme, because synthesis phase से आपके पास क्या पहले phase आता है? G1 phase आता है, right? ठीक है? Next question. Some parts of a typical human chromosome are more numerous than the others. Which parts are listed in order from the most numerous to the least numerous? तो देखो यार, हमने इस तरह का मिलता-जुलता सवाल पहले भी किया था. मैं तो मैं उसको भी बताया था, सबसे ज्यादा हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है. लाइक तो इन सारे ऑप्शन में जैसी बात है, यहाँ तो हिस्टोन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं दिया होता तो फिर आप ऑप्शन एक एक करके देखते. लाइक इस वाले ऑप्शन में हिस्टोन सबसे ज्यादा दिया हुआ है, उसके बाद टेलोमेयर दिया हुआ है, उसके बाद डीएनए मॉलिक्यूल. बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, बिकॉज हर डीएनए मॉलिक्यूल में दो टेलोमेयर्स होते हैं और हर डीएनए मॉलिक्यूल में बहुत सारे
हिस्टोन्स होते हैं जिनके अराउंड वो डीएनए मॉलिक्यूल रैप्ड होता है लाइक, सो दिस विल बी द मोस्ट न्यूमरस एंड दिस विल बी व्हाट द लीस्ट न्यूमरस ऑफ ऑल एंड ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर. सो वी विल स्टॉप हियर एंड वी कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट सेशन.